हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर एचपीएस। बट जो स्टूडेंट्स एचटेट के इस बैच में हैं, जो स्टूडेंट्स एचटेट के हैं इस बैच में, उनके लिए साइंस फोल्डर के अंदर बायोलॉजी की क्लासेस हैं, वो उनसे भी कर सकते हैं। प्लस अगर वो मतलब ये चाहते हैं कि नहीं, हमें नई क्लासेस लाइव मैम के साथ करनी है, तो वो जो ये क्लासेस अभी जो स्टार्ट होंगी, तो अभी जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना आज से, आप उनको भी कर सकते। और मैंने आपको बोला था कि मंडे से हम अपना लाइव बैच स्टार्ट कर लें, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पहले रिकॉर्डेड क्लासेस लेती थी, तो लाइव का सेटअप में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई, लाइव के सेटअप में कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से आज मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रही हूँ। कल मैं दोबारा से ट्राई करूंगी कि मैं लाइव क्लास ही लूँ। वैसे ये आपका जो बैच रहेगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, बट मैं मैक्सिमम क्लासेस जितनी हो सकेंगी लाइव ही लूंगी। बट अभी आज पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन आप सबको पता है कि एचपीएससी का पेपर जल्दी हो सकता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए जो आज ही क्लास है आपकी मैं आपके उसमें डालूंगी, रिकॉर्डिंग मोड में डालूंगी। आपका अलग से फोल्डर बनेगा जिसका नाम मैं एचपीएससी डालूंगी, लेकिन एचटेट वाले बच्चे भी उसको कर सकते, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस कुछ भी मतलब जस्टिफाइड तो होता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। अब जो हम एचपीएससी की तैयारी करेंगे, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, जो मेवात कैडर के लिए हुआ था, हम उसको देखेंगे। क्योंकि रिसेंट एग्जाम अगर आपका देखा जाए हरियाणा का, तो आपका मेवात कैडर वाला हुआ है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करें। तो उसमें क्या था, आपका सबसे पहले क्या हुआ था, ऑब्जेक्टिव बुक था, जिसके अंदर आपके क्या था, कुछ चीजें ये भी आई थी, इंग्लिश हिंदी वगैरह ये सब हरियाणा जी की आई थी, लेकिन इस बार आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड ही रहेगा। लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव का लेवल था वो थोड़ा सा ज्यादा रहा था, मतलब as comparison to subject। अब क्या था, ऑब्जेक्टिव का है थोड़ा सा लेवल आपका ठीक ठाक है, ठीक है। फिर आपका सेकंड पेपर होता है, दैट इज सब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्टिव आपका लेवल ठीक ठाक था, तो उसकी कट ऑफ भी कितनी गई थी, 39। आप सोच सकते हो कितनी कम कट ऑफ गई थी 39। और अभी हम फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि आपके अब तक कितने फॉर्म फिलिंग हुई है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम था उसका अगर उसका मैं पेपर भी आपको दिखा दूंगी, उसका भी अगर आप पेपर देखोगे तो उसका पेपर मतलब बहुत ही इजी हुआ था, ठीक है। ये इसका लेवल क्या था, इजी था, ठीक है। इजी क्यों इजी था इसका लेवल, क्योंकि जो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी से ही थे, जो आपकी क्लास प्लस वन और प्लस टू की जो आपकी एनसीईआरटी है ना, इन्हीं से आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या है, कुछ बच्चों का मेरे पास टेलीग्राम पे भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, कि मैम एचपीएससी लेवल कराओ, एचपीएससी लेवल कराओ। अरे आप खुद भी किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो उससे पहले आप प्रीवियस ईयर उस एग्जाम के देखो। और सबसे ज्यादा पीछे वाले प्रीवियस ईयर पे भी हमें क्यों जाना है, अभी जो रिसेंट आपका प्रीवियस ईयर हुआ था हम उसी को देखेंगे, क्योंकि एचपीएससी ने अभी एग्जाम लिया था, तो इसी अकॉर्डिंग अभी एचपीएससी आपका ये एग्जाम भी लेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको जो क्वेश्चन थे 10 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था, अगर आप 10 मार्क्स का, अब जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें आपको मतलब डिवाइड भी था, जैसे 2 मार्क्स की वो डेफिनेशन दे दी, फिर 2 मार्क्स का कुछ, फिर नीचे आपको 8 मार्क्स का दे दिया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स का, अगर सपोज 8 मार्क्स का भी नहीं गया, फिर पूरा 10 मार्क्स का आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, तो उसके बारे में आपका इतना कंटेंट ना, आपको मतलब एनसीईआरटी में क्या होता है, जो भी आपकी अच्छी बुक्स होती है ना, उन सब की जो इम्पोर्टेंट इन्फो होती है वो सब एनसीईआरटी के अंदर डाल दी जाती है। अब लेकिन फिर भी हमें क्यों बैच की नीड पड़ती है, या फिर क्यों हमें किसी टीचर की नीड पड़ती है, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो थोड़ा सा आपको क्या करती है, हर चीज इम्पोर्टेंट बता देती है, बट उसको क्या करता है, समझना पड़ता है, ठीक है। बस उसी में आपको एक टीचर की हेल्प की नीड होती है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपके मतलब जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी मतलब वेल टू डू है, मतलब जो सेल्फ स्टडी करेंगे वो भी बेस्ट है। अब जो जिन्हें टीचर की नीड पड़ती है, जिन्हें बैच लेना है, उसके लिए भी उनके लिए भी बेस्ट है। अब इन क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिखोगे, इन क्वेश्चन के अंदर आप किस तरीके से लिखोगे, वैसे तो अभी सब्जेक्टिव का नहीं है, बट हम फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव में भी आप किस तरीके से लिखोगे, क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव प्लस, मैं ये अभी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जो पढ़ेंगे
ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंबाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि अभी ऑब्जेक्टिव कर लिया और फिर से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन, हम इसको साथ में मिलके करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि बायो के कैंडिडेट्स कम है, आपका ऑब्जेक्टिव हो ही ना, डायरेक्ट आपका ये भी हो सकता है कि सब्जेक्टिव का एग्जाम हो जाए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीज हो जाए, तो इसीलिए हम इसको कंबाइन करेंगे। और दूसरे ये भी चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव के विद इन कुछ टाइम, मतलब बड़े 15-20 दिन के बाद ही आपका सब्जेक्टिव एग्जाम भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपका क्या है, आप इनको बिल्कुल जैसे कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे टैक्सोनॉमी था, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, किसने ये टर्म दी थी, फिर इसके अंदर आप सारी आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इन सबको बताओगे, इसका एग्जाम्पल बता दोगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कंपटीशन लेवल। देखो आपका था अभी जो एग्जाम हुआ था मेवा कैटर का, उसके अंदर भी आपके अराउंड 650 के अराउंड की आपके फॉर्म फिलिंग हुई थी, ठीक है। तो आप देखोगे कि बायो में एज तक ज्यादा कंपटीशन तो नहीं है, आपकी सीट की देखिए 60 क्लियर थी, 60 थी या 63 थी, 60 लगा लो आप, ठीक है। अब हमारी जो सीट है दैट इज 233 आई थिंक, तो इनटू 4 अगर आप करोगे तो कितना होगा, 932 आपके कैंडिडेट्स हैं जो सेलेक्ट होंगे आपके स्क्रीनिंग एग्जाम के। अब हम देखेंगे जो हमारे जो एचटेट वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो कितने हैं। तो मैंने अपना डाटा निकाला है, मैं आपको बताती हूँ, देखो जो मेरे पास डाटा है मैं उसके अकॉर्डिंग अभी आपको बता। 2017 में जो आपके कैंडिडेट जिनका पीजीटी बायो क्लियर हुआ था 11 है, 18 में जो आपके हैं दैट इज 75, फिर 2019 में जो कैंडिडेट्स हैं दैट इज 164, और 2022 में आपके जो कैंडिडेट्स दैट इज 227। अभी मैंने मतलब एग्जैक्ट डाटा बायो का तो मेरे पास इनका है, ठीक है। जो आपका 2021 है ना, उसके अंदर टोटल आपका जो लेवल 3 था यानी पीजीटी के, उनके बच्चे थे 10,260। अगर अब देखो यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं तो इसमें से हम 300 लगा लेते हैं, या 300 लगा, ठीक है। अब मैंने इसमें से अप्रोक्स लगा लिया था 300, तो 300। फिर उसके बाद है आपका 2020, उसका भी आपका जो 3056, ये बच्चे क्या थे जो लेवल 3 के क्वालिफाई थे। अब ये कम ही है तो इसमें हम 200 लगा लेते हैं, ये अप्रोक्स है तो इसमें हम 500 प्लस कर लेंगे, तो अब देखो ये हमारे कितने बच्चे हो गए, 75 प्लस 11 64 प्लस 7 प्लस 5, तो ये अराउंड हमारे 977 बच्चे हो गए, ठीक है। ये हुए हमारे कितने, 977। अब क्या है, इसमें हमारा 17 हो गया, 18, 19, 22, और ये हो गया हमारा 21 और 23, ठीक है। ये हो गया, अब हमारा 15 और 16 के भी होंगे तो 500 बच्चे, वैसे मतलब पहले और भी कम होते थे, फिर भी हम 500 और लगा लेंगे, तो भी 500 नहीं तो फिर भी हम 300 लगा लेते हैं। अगर 300 और हो गए हमारे तो कितने हो गए, हम 1300 बच्चे के आसपास अगर हम लगाएं, मैक्सिमम ये मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बताए हैं, बाकी आपके 1300 भी बच्चे नहीं होंगे। अगर आपके इतने भी होते हैं, ठीक है, अगर इतने बच्चे होते हैं तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। अब आप लेकिन देखो इसमें से आपके 933, ठीक है, मतलब 50% से भी ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये खुद देखो कि कंपटीशन आपका कितना कम है, और आपकी वैकेंसीज मतलब डेली डेली तो वैकेंसीज आती नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब उसके लिए आपका क्या इंपॉर्टेंट है, या तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप बैच के थ्रू, ठीक है। बट आप मतलब जितने भी ओमेली हम ये डिस्कस ही कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के अंदर मेन जो हम फोकस रखेंगे दैट विल बी एनसीईआरटी, क्योंकि हमारी प्राइम जो इंपॉर्टेंट चीज होगी दैट विल बी एनसीईआरटी। तो आज जो हम फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी, अब जो ये मेनली हम वीडियो तो हम बैच में ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मतलब मेरी बैच की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है।
सेल्फ स्टडी में यहाँ पे क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं है कि जितना मैंने करा दिया आपने बस ठीक है काम हो गया, अब मैम ये कराओ मैम वो कराओ, ऐसा नहीं है। आपको ये करने के बाद आप इसको पीडीएफ को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, आप खुद से सेल्फ स्टडी भी करोगे, आप एनसीईआरटी का उस चैप्टर है उसको खोलोगे, एनसीईआरटी के पीछे जितने क्वेश्चन दिए, अगर देखो आपको एनसीईआरटी में जो चैप्टर दिया है अगर वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स लगेंगी अगर आपने अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ वो किया तो, ठीक है, आप उसकी रीडिंग मार लेना, और उसके बाद जो उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं आप उनको लिख के देखना, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट, वैसे आप भी सब्जेक्टिव नहीं हो रहा, लेकिन आप उसको सब्जेक्टिव के तरीके से भी लिख के देखोगे ना, तो आपको क्लैरिफिकेशन आएगी, हाँ ये इस कंसेप्ट, मतलब कि ये कंसेप्ट मेरा लैकिंग है या ये कंसेप्ट मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन कर, आज जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर को हम यूपीएससी और एचटेट दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि दोनों का सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव पेपर देखा होगा तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम करेंगे स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हमारा होता क्या है, ठीक है, यहीं से हम देखेंगे कि डाइजेशन हमारा होता क्या है। हम दूसरी एक ब्लैंक पीडीएफ पे पहले इसको समझेंगे, फिर मैं आपको पीडीएफ ये प्रोवाइड कर, ये आपकी पीडीएफ खराब हो जाएगी, हम एक ब्लैंक उसमें शीट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपका जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे दैट इज डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछती व्हाट इज डाइजेशन, बट अब हम लाइव ही करेंगे, बट आज मेरी हो नहीं पाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मतलब मेरे को भी नहीं पता क्यों हो पाई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही सेटअप किया है मैंने लाइव का, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन रेफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ। अब देखो रुको मैं इसको अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। अब सपोज आपसे क्वेश्चन डाइजेशन से रिलेटेड ही पूछा जाए व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है, और उसके स्टेप्स वगैरह ये सब बताओ, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे, डाइजेशन की डेफिनेशन लिखोगे, उसमें हम लिखेंगे कि डाइजेशन रेफर्स टू ब्रेकडाउन ऑफ, हम लिख के पढ़ा सकती हूँ पर लिख के इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। डाइजेशन रेफर्स टू ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब देखो जितने भी बच्चे बैच के हैं वो सब यही अगर डेफिनेशन पे लिख के आ जाएंगे ना तो भी अब ये हो जाएगा कि हाँ इन्होंने चीटिंग की है, एक ही जगह से पढ़ा है। तो इस तरीके से भी नहीं करना है, आपको जो पेपर लिख के आओगे ना उसमें अपना टच लेके आना है, ठीक है, अपने मतलब जैसा आप लिखना चाह रहे हो ना वैसा आप लिखना है, मतलब जैसा आपने समझा है उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज, ये नहीं है कि एज इट इज वहां पे जाके नोट छापा, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है, स्टार्टिंग में जो हमारा फूड होता है वो कैसे होता है, पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में होता है, मतलब पॉलीमर की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है इसी को हम एंजाइम्स की हेल्प से स्मॉल स्मॉल फॉर्म्स में तोड़ते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको हम सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं, ठीक है। मेनली यही हमारा डाइजेशन होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड जो हमारा होता है उसको एंजाइम्स की हेल्प से
हम स्मॉलर फॉर्म्स में तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो फूड लिया, सपोज हमने रोटी खाई, व्हाट इज दैट? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम किया, ठीक है, अब हो सकता है हमने प्रोटीन किया, ठीक है, हमने फैट्स खाए, मेनली हम यही खाते हैं, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है डायरेक्टली हमारी बॉडीज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो क्या करना होता है, पहले इस कार्बोहाइड्रेट को क्या करेंगे, हम स्मॉल स्मॉल फॉर्म्स में तोड़ते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को जब स्मॉल फॉर्म्स में तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड है, तो इसको क्या करेंगे, हम मोनोसेकेराइड में तोड़ते हैं। पहले इस पॉलीसेकेराइड को हम डाइसेकेराइड में और फिर हम मोनोसेकेराइड, यही आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। फिर आपका क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको भी हम तोड़ेंगे और इसको भी हम अमीनो एसिड्स की फॉर्म में बना लेंगे। फिर आपके जो फैट्स हैं, ये भी क्या होते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इनको हम डाइग्लिसराइड्स की फॉर्म में तोड़ेंगे। फिर मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स, ये सब हमारे क्या होते हैं, अब जो ये फॉर्म हमें मिलेगी ये हमारी बॉडीज को डाइजेस्ट कर ले। तो मेनली हमारा डाइजेशन क्या हुआ, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड आपने जो खाया है उसी को छोटा छोटा आपका तोड़ के खाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम जो फूड है उसको इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप भी वो आपका क्या होता है, दैट इज इंजेशन, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, इंजेशन। अब इंजेस्ट हमने कहां से किया है, माउथ से किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ माउथ। माउथ की हेल्प से किया है, सॉरी सर, माउथ की हेल्प से किया है। अब ये जो माउथ हमने किया है, जो अंदर हमारी प्रेजेंट है, व्हाट इज दैट, दैट इज बकल कैविटी। तो हमारे यहाँ पे जो प्रेजेंट है दैट इज बकल कैविटी। अब बकल कैविटी हमारी क्या होती है, ये जो अंदर हमारी प्रेजेंट है ठीक है, दैट इज बकल कैविटी। अब बकल कैविटी से रिलेटेड आपके क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, अब बकल कैविटी में आपका क्या प्रेजेंट है, एक तो आपकी प्रेजेंट है टंग, फिर हमारा प्रेजेंट है टीथ, और फिर हमारा प्रेजेंट है स्लाइड। तो ये तीन चीज यहाँ इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो कि आपकी बकल कैविटी से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं दैट इज टीथ, ठीक है। अब आपके टीथ क्या होते हैं, हमारे टीथ ये है, सबको पता है टीथ ही होते हैं, ठीक है। अब जो टीथ है उसका फंक्शन क्या होता है, मेन इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जो टीथ होते हैं इसका फंक्शन, अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो टीथ है वो क्या करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं इंसीजर, फिर होते हैं हमारे कैनाइन, फिर होते हैं हमारे प्री मोलर, और फिर हमारे होते हैं मोलर। तो हमारे फोर टाइप्स के टीथ होते हैं, ठीक है। जो आगे वाले टीथ होते हैं हमारे इस तरीके से, ये जो आगे वाले टीथ होते हैं जिनसे हम कोई भी चीज है जिसको हम कट करते हैं, ठीक है, तो कटिंग में हमारे जो हेल्प कर रहे हैं, या मतलब जो मतलब कोई भी अगर बाइट करने में या फिर कट करने में जो टीथ हमारे हेल्प कर रहे हैं, दैट आर इंसीजर। तो ये हमारे हेल्प करते हैं कट या फिर बाइट करने में, कटिंग या फिर बाइट करने में। फिर आपके कैनाइन, नाम से ही पता चल रहा है कार्निवोरस टाइप है, क्योंकि हमें हम क्या है, कार्निवोरस थे पहले, ठीक है, अब तो ओमनिवोरस है, तो कार्निवोरस है। तो ये जो आपके इधर थोड़े शार्प टीथ होते हैं, जो टीयरिंग, आप कुछ भी फाड़ते हो तो आप थोड़ा टेढ़ा काटा, आप चिप्स का पैकेट लेते हो तो कैसे फाड़ते हो, टेढ़ा करके फाड़ते हो, तो दीज हेल्प इन टीयरिंग, ठीक है। अब जो आपके प्री मोलर्स होते हैं, ठीक है, अब ये प्री मोलर्स और मोलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीछे आपके क्या करते हैं, चूइंग वगैरह में हेल्प करते हैं, या फिर ग्राइंडिंग में हम बोल सकते हैं, ग्राइंडिंग या फिर चूइंग में हेल्प करते हैं। इनके आपसे फंक्शन कभी नहीं पूछे जाते, बस हमने समझने के लिए याद कर। क्या होता है आपका, ठीक है, अब आपका क्या होता है, अब ये कितने होते हैं हम, ठीक है, हमारा इस तरीके से देखो, माउथ के हम एक साइड के बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे इंसीजर होते हैं 2, 1, 0, 2, इस तरीके से हम पढ़ेंगे।
ये आपके इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो स्टार्टिंग में आपके क्या होता है, स्टार्टिंग में आपके क्या होते हैं, जो प्रीमोलर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपके क्या होते हैं, प्रीमोलर्स जो टीथ होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और मोलर भी आपके टू ही होते हैं, ठीक है। तो इस पे अब देखो, हमारे जो डेंटल फॉर्मूला हो गया, दैट इज 2102/210, ठीक है। इस तरीके से हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। अब यहां से आपका क्वेश्चन बनता है 2102/210। यहां से आपका जो क्वेश्चन बनता है, दैट इज कि यहाँ पे मतलब जब स्टार्टिंग में आपके इन्फेंट्स के अंदर, मतलब जब तक आपके जो मिल्क टीथ होते हैं ना, तब तक आपके प्रीमोलर अब्सेंट होते हैं, ठीक है। कि आपके कौन से टीथ हैं जो मिल्क यहाँ पे इन्फेंट्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो प्रीमोलर्स। अब यहाँ पे जब आप एडल्ट होते हो तो आपका जो डेंटल फॉर्मूला होता है, दैट इज 2123। अब क्या चेंज हुआ, आपके जो प्रीमोलर थे पहले जीरो थे, लेकिन अब जो प्रीमोलर्स हो गए हैं, दैट इज टू। और यहाँ पे जो आपके मोलर टीथ थे, जो पीछे वाले जो टीथ थे मोलर, वो भी स्टार्टिंग में टू होते हैं, और बाद में देखो हमने सुना है ना विजडम टीथ अकल जाए, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा क्या होता है, थर्ड मोलर भी आ जाता है। तो जो थर्ड मोलर होता है, थर्ड मोलर, उसी को हम बोलते हैं विजडम टीथ। तो आपसे ये भी अगर पूछा जाए कि थर्ड मोलर आपका कौन सा होता है, दैट इज विजडम टीथ, जो आपका बाद में आता है विजडम टीथ, ठीक है। तो आपके जो इस बिहाफ पे हम देखेंगे, जो हमारे टीथ हो गए वो टू टाइप्स के हो गए, एक तो हो गए मोनोफाइडल्ट, एक तो हम देखो टेम्परेरी टीथ, जिनको हम डेसीडियस टीथ भी बोल देते हैं, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट। ठीक है, अब टेम्परेरी टीथ हमने किसको बोला, स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आपके दूध के दाद आते हैं, ठीक है, बाद में वो सारे टूट जाते हैं। तो ये वाले जो आपके टीथ थे 2102, स्टार्टिंग में ये होते हैं लेकिन बाद में ये सारे टूट जाते हैं। तो ये 2102 आपके कितने हुए, 4 + 2 + 4, ये तो ऊपर के हो गए 4 8 10 10, और ये आपके जो टीथ है ना 2, ये फॉर्मूला किसका होता है, अपर हाफ का हाफ, ठीक है। फिर ये हो गया 10, ये हो गया 5 5 10 15 20। तो स्टार्टिंग में आपके कितने होते हैं, जो 20 टीथ होते हैं कितने होते हैं, ये टेम्परेरी डेसीडियस टीथ होते हैं। अब क्या होता है, जब ये दूध के दांत टूट जाते हैं तो आपके परमानेंट टीथ, ठीक है, जिसका हम फॉर्मूला होता है 2123, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका आपके कितने हुए, ये टोटल 32 टीथ हुए। आपके जो 20 टीथ थे, एक तो ये आ गए, प्लस आपके 12 टीथ जो हो गए, ये आपके नए दांत आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने देखा कि जो ये 20 टीथ थे ये पहले भी थे, अब ये टूट गए, ये फिर से आ गए, मतलब पहले भी थे और दोबारा भी आए, दो बार हो गए ना, ये दो बार आते हैं, ठीक है। पहले होते हैं हम जन्म के बाद आते हैं, जब होते हैं कि दांत आ रहे हैं, फिर उसके बाद दूध के दांत टूटेंगे, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दांत अगर टूट जाते हैं तो चढ़वाने ही पड़ते हैं, ठीक है, दो ही बार होता है ऐसा। तो ये जो 20 टीथ है, जो आपके दूध के दांत थे, पहले थे, दोबारा आए हैं, दो बार आए, तो इन टीथ को हम बोलते हैं डाइफाइडोंट, ठीक है। लेकिन जो ये 12 टीथ हैं आपके, कौन से, दो प्रीमोलर और थर्ड मोलर, ठीक है, तीन एक साइड के हो गए, तीन इधर के, तो 3 × 12, तो ये जो 12 टीथ हैं, ये आपके सिर्फ एक बार ही आते हैं। कब आते हैं, जब आपके परमानेंट टीथ आते हैं ना, तभी ये टीथ आते हैं। तो ये वाले टीथ एक ही बार आए, तो इनको हम बोलेंगे मोनोफायोडोंट, ठीक है। इस तरीके से आपके ये टीथ होते हैं, ये हो गए डाइफाइडोंट, ये हो गए मोनोफायोडोंट, ये टीथ के बारे में हो गया। फिर आपसे क्या पूछा जाता है, इनकी रूट्स के बारे में, जो आपके इनसे भी क्वेश्चन पूछा, जो आपके इंसीजर होते हैं, इनकी जो रूट होती है, ये रूट, ये सिर्फ वन ही रूट आपकी प्रेजेंट होती है, ये भी आपसे पूछा जाता है। फिर जो आपके कैनाइन होते हैं, इसी तरीके से इनकी भी जो रूट होती है, दैट इज आल्सो वन रूट। फिर आ जाते हैं आपके प्रीमोलर और मोलर,
अब जो प्री मोलर है इसके अंदर आपको करना है, एक तो होती है आपके अपर जाके, फिर होते हैं आपके लोअर जाके, ये आपको सबको ध्यान रखने हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बता रही हूँ, ये आपसे पूछा जाता है और ये आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। बस एनसीईआरटी में डायग्राम बना दिया है तो वहां से आपको, अब एनसीईआरटी अब देखो किस तरीके से, इससे आपको ये भी पता चल जाएगा एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। एनसीईआरटी में सिर्फ आपका डायग्राम दे दिया है टीथ का, ठीक है। अभी हम वो भी देखेंगे जो मैंने पीडीएफ बना रखी है अभी, लेकिन ये बस हम वैसे समझ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ आपका डायग्राम दे दिया है, अब एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है तो उसको आपको अच्छे से चीर फाड़ करके पढ़ना है, उसका पोस्टमार्टम करना है, तो उसके अंदर आपको ये अच्छे से पढ़ना है कि कितनी रूट्स होती है, ठीक है। तो आपका फिर आता है प्री मोलर। प्री मोलर में जो आपका अपर जॉ होता है उसके अंदर तो वन ही रूट होती है, लेकिन लोअर जॉ के अंदर टू रूट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है मोलर, इसके अंदर भी अपर जॉ लोअर जॉ, तो इसके जो अपर जॉ है उसके अंदर टू रूट्स होंगे और इसके अंदर आपकी थ्री रूट्स होंगे, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें या हमारे टीथ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, आपके जो टीथ है देखो, जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर जो हमें दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, कस्प, ठीक है। और ये हमारे देखो नीचे गम्स प्रेजेंट है हमारे इस तरीके से, मतलब बिल्कुल सॉकेट के अंदर अटैच है इस तरीके से, ये टीथ हमारा बिल्कुल सॉकेट के अंदर अटैच है, ठीक है। तो इस टाइप की फॉर्मेट को हम बोलते हैं थीकोडोंट। जब आपका बिल्कुल टीथ क्या होता है, सॉकेट के अंदर अटैच होता है, तो उस टाइप के टीथ को हम बोलते हैं थीकोडोंट। फिर जो ऊपर ही आपका जो कस्प दिख रहा है, तो इसके लिए आपका टर्म होता है ब्यूनोडोंट। तो हमारे टीथ कैसे हैं, थीकोडोंट और ब्यूनोडोंट, और हमारे कैसे हैं, डाइफाइडोंट भी है, मोनोफाइडोंट भी है। तो ये टर्म्स आपको टीथ से रिलेटेड याद रखनी है, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, टीथ, टीथ का अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरीके से आपका जो टीथ है, तो ये ऊपर हमें व्हाइट पार्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इनामल, ठीक है। ये आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट बहुत हार्ड होता है, ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये इनामल बनता कैसे है, आपके नीचे क्या होते हैं, अमीलोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी जो क्या करते हैं, इनामल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, अमीलोब्लास्ट, तो इनामिल का फॉर्मेशन इससे होता है। अब क्या होता है, इसके नीचे हमारी प्रेजेंट होती है पल्प कैविटी, ये होती है हमारी पल्प कैविटी, ठीक है। अब इसके नीचे जो पल्प कैविटी है, इसके नीचे हमारे प्रेजेंट होते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। इनका मैं अच्छे से डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, जितना हो जाएगा ना उसके बाद मैं आपको पीडीएफ में भी अच्छे से करा दूंगी, मेरा इतना अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा, बट मैंने गूगल से डायग्राम अच्छे से आपसे ले रखा है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। अब ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है ये किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, आपकी पल्प कैविटी की। तो नीचे आपकी क्या होती है, डेंटाइन प्रेजेंट है, सॉरी डेंटाइन प्रेजेंट है ना कि पल्प कैविटी। और डेंटाइन की फॉर्मेशन किसने करी है, ओडोंटोब्लास्ट सेल है, और नीचे आपकी ये होती है पल्प कैविटी, ये है आपकी पल्प कैविटी, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रेजेंट होती है। तो ये आपका डायग्राम है आपका टीथ का। अब हम इसको पीडीएफ में भी मैं आपको दिखा देती हूँ, डायग्राम आ गया इसके, देखो अब तक हमने जो पढ़ा वो भी सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। मैकेनिकल कैसे है, क्योंकि आपका क्या कर रहे हैं, हम टीथ वगैरह की हेल्प से इसको च्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो मैकेनिकल है। और बायोकेमिकल क्यों है, क्योंकि केमिकल्स की भी हेल्प करते हैं। हमने क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स जो फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, तो एंजाइम्स की भी नीड होती है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स फूड है मैक्रोमोलिक्यूल, इसको एंजाइम्स प्लस वाटर की हेल्प से,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपकी सॉरी ये जो वाटर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वाटर नहीं, हमें पता है कि हमारी बॉडी में मोस्टली क्या है, वाटर, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो जो ये एंजाइम्स है ना ये नॉन फंक्शनल हो जाए, ठीक है, ये एंजाइम्स है ये नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। अब एंजाइम्स को वर्क करने के लिए वाटर की नीड होती है, इसीलिए एंजाइम्स प्लस वाटर। इस कॉम्प्लेक्स जो फूड है मैक्रोमोलिक्यूल, इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड में हमारा ब्रेक डाउन किया जाता है। अब जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या है, हाइड्रोलेज है। हाइड्रोलेज क्यों, हाइड्रोलेज क्या होता है, अपने हम जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे, एट आपके एंजाइम की कैरेक्टर वो पढ़ेंगे क्लासेस। तो जो यहाँ पे एंजाइम्स होंगे दैट आर हाइड्रोलेज, क्यों, क्योंकि वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, कैटाबोलिज्म कर रहे हैं, किसका, फूड का। और वाटर प्लेस अ इम्पॉर्टेंट रोल, वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वाटर नहीं होगा तो एंजाइम्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। तो वाटर का इम्पॉर्टेंट रोल किसमें है, मेटाबॉलिज्म। फिर है हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखो हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में एक तो पढ़ेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स, मतलब एक तो होगा एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ठीक है, मतलब जिन ग्लैंड्स की हेल्प भी लगती है हमें में डाइजेशन में, क्योंकि ये ग्लैंड्स आपका क्या करेंगी, कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगी, और उन एंजाइम्स की हेल्प से हमारा क्या होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आपका स्टार्ट हो जाता है बक्कल कैविटी से, और बक्कल कैविटी अभी हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर अभी हमने टीथ किया है सिर्फ, फिर आपका टंग भी रहता है और स्लाइवा भी रहता है, ठीक है, ये सारा हम देखेंगे पीडीएफ में, अभी चलो कर लेते हैं। ये जो आपका फोरगट होता है, तो ये कर ही लेते हैं, एक स्लाइड यहां तक। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस तक होता है, जैसे ये है आपका, ये आपका माउथ से स्टार्ट होगे जो एनस तक है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, आपका एलिमेंट्री कैनाल, सारे को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इस एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम्स का को रिलीज करेंगी, वो सब भी इसके अंदर हम पढ़े। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो ऊपर वाला पार्ट होगा, मिड वाला, और नीचे नीचे वाला। तो तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे, फोरगट, मिड गट और हिंड गट, ठीक है। फिर इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका फोरगट होता है और जो हिंड गट होता है, ये दोनों एक्टोडर्मल इन ऑरिजन होते हैं। एक्टोडर्मल इन ऑरिजन का मतलब है हमारे थ्री जर्म लेयर्स होती है, बाहर वाली एक्टोडर्म होती है, बीच वाली मीसोडर्म होती है, और अंदर वाली हमारी एंडोडर्म होती है। तो ये तीन हमारी जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और जो एक्टोडर्मल इन ऑरिजन है दैट इज ऊपर वाला नीचे वाला, बीच में थोड़ा सा हमारे क्या है ऑर्गन वॉर्गन सा थोड़ा प्रेजेंट है, तो दैट इज एंडोडर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा जो आपका पेनक्रियास है, ठीक है, आपका पेनक्रियास कहाँ पे होता है, स्टमक के नीचे जो ड्यूडेनम है, ये जो आपका ये ड्यूडेनम है ना, यहाँ पे इसके यहाँ पे पेनक्रियास होता है, ठीक है, इस तरीके से लीफ शेप ही होता है ना ये, इस तरीके से यहाँ पे आपका पेनक्रियाज होता है। तो यहां तक तो आपका क्या हो गया, सॉरी ये तीनों ने इंटरस्टैंड मार किया, ये रहा आपका स्टमक, इसके नीचे यहाँ पे ये आपका पेनक्रियाज होता है, कहाँ पे होता है, जो आपका ड्यूडेनम है ना, इस तरीके से ड्यूडेनम होती है, तो वहां पे यू पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज तक आपका फोरगट होता है, उसके बाद आपका जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये मिड गट में कितना आपका इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट तक, आपका यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन के ट्रांसवर्स कॉलम तक आपका मिड गट, और नीचे फिर आपका जो सिग्मोइड रेक्टम एनस रह गए, ये सारे आपके हिंड गट में आ जाते हैं, ठीक है, ये वैसे आपसे कोई नहीं पूछेगा बट आपको समझने के लिए पता। फिर हमने पढ़ी थी बकल कैविटी सबसे पहले, क्योंकि हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट ही कहाँ से होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। तो बकल कैविटी हमने पढ़ी थी दैट इज ओरल कैविटी, स्पेस इनसाइड द माउथ।
फिर हमने वेस्टिब्यूल, क्या होगा जो भी आपकी खाली जगह होती है ना उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। जैसे देखो अगर आप अपनी टंग से टच करो, टीथ और आपके जो चिक्स वाली है स्किन है इसके बीच में आपको खाली जगह महसूस होगी तो इसको क्या बोल देंगे, वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो जो भी स्पेस आपका प्रेजेंट होता है टीथ चिक्स मतलब जहां पे हम कई जगह पे वेस्टिब्यूल पढ़ेंगे, ठीक है, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना वहां पे भी आपका जो फीमेल अनाटॉमी पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहां पे भी वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल आपका क्या होता है, स्पेस बिटवीन द टीथ एंड चिक्स, ओपनिंग ऑफ बकल कैविटी किसको बोलते हैं, माउथ को। ये आपकी टंग प्रेजेंट है, ये आपकी टीथ, देखो सबसे पहले आपके इंसीजर कहाँ गए, सबसे पहले आपके इंसीजर होते हैं स्टार्टिंग वाले। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो कितना पढ़ा है, इतना फॉर्मूला, इसीलिए मैं इंटू फोर कर रही थी क्योंकि फिर ये हो गया 1 2 और ये एंड फोर, ये हो गया ना 1 2 3, इसलिए हम इंटू फोर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 1 2, तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है। ये आपके इंसीजर हो गए 2, ठीक है, इंसीजर। ओके, उसके बाद एक आपका हो गया कैनाली, ये वाला आपका, ये एक हो गया आपके, ये 2 प्रीमोलर, और उसके बाद ये 3 जो आपके दिख रहे हैं दैट इज मोलर। तो इस तरीके से आपके होता है, मैं एक बार अलग अलग कलर से दिखाती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा कम पता चल। देखो ये 2 तो हो गए आपके इनसीजर, उसके बाद एक हो गया आपका एलाइन, एक हो गए आपके 2 प्रीमोलर, ये वाले, फिर आपके ये 3 पीछे हो गए। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनता है वो एक एक जॉ के भी हाफ का बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेंटल फॉर्मूला बनता है। तो ये 4 टाइप्स के हमने टीथ अभी पढ़े थे। टीथ है इनेमल, जो जो लाइफ टाइम में सिर्फ वंस वंस एक ही बार बनता है, ठीक है, डेंटाइन तो बनती रहती है। ऑरिजिन इसका एक्टोडर्मल है, फॉर्म बाय अमीलोब्लास्ट सेल हमने पढ़ा था, हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनिमल किंगडम में और हेल्थ प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। फिर हमारी होती है डेंटाइन जो लाइफ टाइम बनती रहती है। तो ओरिजिन क्या है, मीसोडर्मल, ओरिजिन आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर्म बाय ओडोन्टोब्लास्ट सेल इन द पल्प कैविटी, ये हमने पढ़ा था बोनी पार्ट ऑफ द। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, जिसके ये देखो जो आपका ये है इनेमल जो कि हमने पढ़ा हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये जो ऊपर का जो आपका पार्ट है जिसको क्राउन भी बोलते हैं दिस इज इनेमल। अब इसके नीचे आपका होता है डेंटाइन, ठीक है, और ये डेंटाइन बनाते हैं, ये जो आपके ब्लैक ब्लैक यहाँ दिखते हैं दैट इज ओडोन्टोब्लास्ट सेल आपके क्या करते हैं, बनाते हैं डेंटाइन। ये नीचे आपका पल्प पल्प कैविटी है। अब पल्प कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके आर्टरीज, वेन्स, नर्व, ब्लड सप्लाई, ये सब आपके प्रेजेंट होते हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो ये डायग्राम आपको हो गया याद। अब हमारा टीथ 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सबसे ऊपर जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज क्राउन, जहां से ये अटैच है दैट पार्ट इज नोन एज नेक, और नीचे जो रूट वाला पार्ट है वो तो हमारा अंदर ही एम्बेडेड है तो उस पार्ट को हम बोल देते हैं रूट। तो 3 पार्ट्स में आपका जो टीथ है वो डिवाइडेड है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन वाला पार्ट है इनेमल, फिर आपके डेंटाइन आ गया पल्प, ये 3 चीज में है। जो पल्प कैविटी है उसके नीचे आपका टीथ किस तरीके से अटैच है, सीमेंट की फॉर्म, सीमेंट से, सीमेंटम, ठीक है, तो ये सीमेंटम हो गई क्योंकि ये आपके गम्स है, इन गम्स से जो टीथ अटैच है वो किसकी हेल्प से है, सीमेंटम की हेल्प से। और ये जो पल्प कैविटी है इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, आर्टरीज, वेन्स, ये सब प्रेजेंट है ताकि ब्लड सप्लाई आपको मिले। जो पल्प कैविटी है वहां पे आपकी आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल सब कुछ। फिर देखो जो हमने रूट्स याद की थी, जो इंसिजर और कैनाइन है आपकी जो रूट प्रेजेंट होती है दैट इज 1 रूट, इस तरीके से आपकी 1 रूट। फिर होता है हमारा प्रीमोलर, जहां पे अपर जा लोअर जा, नीचे वाला है उसमें तो एक ही है क्योंकि नीचे हो गया तो भाई एक है देर में, ठीक है, अपर जा में 2 है। अब यहाँ पे 2 पहुंच गए तो इससे नेक्स्ट टीथ हम पढ़ते हैं मोलर, ठीक है, 2 3 हो जाएगा, लोअर जा में 2 हो जाएगी, अपर जा में 3, अपर वाले में ज्यादा।
फिर देखो टीथ, थीकोडोंट। थीकोडोंट क्या है? वो टीथ जो प्रेजेंट होते हैं सॉकेट में, जैसे हमारे प्रेजेंट है, ये एक सॉकेट हो गया, इसके अंदर एम्बेडेड है। फॉर दैट द टर्म यूज्ड इज थीकोडोंट। फिर आता है आपका ब्यूनोडोंट, टीथ विथ स्मॉल कस्प, ये कस्प है वो ऊपर का छोटा होता है। फिर है डाइफाइडोंट। डाइफाइडोंट हमने पढ़ा, टू सेट ऑफ टीथ, टू सेट ऑफ टीथ आपके प्राइमरी होंगे सेकेंडरी होंगे। अब जो प्राइमरी डेंटिशन है मतलब वो टेम्परेरी टीथ है, ठीक है, मिल्क टीथ, डेसीडियस टीथ, टेम्परेरी। और जो सेकेंडरी टीथ है आपके वो परमानेंट टीथ है, अडल्ट टीथ। देखो इस तरीके एनसीईआरटी का आपका डायग्राम आ गया। एनसीईआरटी में इस तरीके से आपका ये गिवन है, फॉर्मूला इससे बनता है। और देखो यहाँ पे ये रूट्स आपके गिवन है ना, इसीलिए हमें रूट्स पढ़ने की नीड हुई। अब एनसीईआरटी में तो बस उन्होंने डायग्राम बना के छोड़ दिया, बाकी काम किसका है? बच्चों का, ठीक है, जिसको सिलेक्शन लेना है। तो ये वन रूट हो गई, फिर से वन रूट, ये इंसीजर, ये कैनाइन हो गया, ये प्री मोलर और ये आपका मोलर। तो इनमें देखो आपके टू और एक में थ्री होती है, फिर इसमें वन और टू। इस तरीके से आपको रूट्स का ध्यान रखना है। और ये आपका क्या होता है, थर्ड मोलर को हम क्या बोलते हैं, विजडम। फिर मिल्क टीथ का फॉर्मूला है आपका 2102। जीरो किसके लिए है, प्री मोलर आपके एब्सेंट होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। परमानेंट टीथ आपके 32 टीथ होते हैं। अब ये पीडीएफ आपको एज इट इज मतलब बैच में प्रोवाइड होगी, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको इससे रिवीजन भी करना है, प्लस आप जो सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगी। मतलब नोट्स आप खुद से बना के देखो, मतलब नोट्स नहीं बोलूंगी, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करके देखो, क्योंकि अगर एज इट इज आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी तो सारे बच्चे वही लिखेंगे, तो भी आपके लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं है। आपको हेल्प मतलब हेल्पिंग हैंड की तरह फैसिलिटेटर मैं बनूंगी, लेकिन आपको लिख के खुद से आना है अपनी लैंग्वेज में, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। 32 टीथ्स में आपके जो 20 टीथ्स हैं प्रेजेंट इन बोथ, और आपके ये वाले जो 20 टीथ हैं ये पहले भी थे, फिर टूट गए, दोबारा आ गए, लेकिन ये 12 टीथ एक ही बार है, इसीलिए इनको हमने बोला मोनोफाइटोंट, क्योंकि ये एक ही बार आते। ये हेट्रोडोंट वर्ड यूज हुआ क्योंकि टीथ अलग अलग टाइप के हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये हमने पढ़ा था, ये कटिंग के लिए है, टीयरिंग, ग्राइंडिंग के लिए। डेंटल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, ये हाफ जागा होता है अपन। ये हमने पढ़ लिया कि अडल्ट में आपके 32 टीथ होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं, जो एक ही बार आते हैं, दैट आर 20। तो ये डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता। फिर है टंग आ जाती है, जो ये टंग है This is a muscular organ, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे क्या जो मसल्स होती है, that are skeletal muscles. Skeletal muscle मतलब voluntary muscle, मतलब हमारी मर्जी है मिलाए, तो मतलब मेरी मर्जी है, अगर मैं चाहूँ तो हिला सकती हूँ, नहीं चाहूँ तो रोक भी सकती हूँ। that is why the muscles present are here, the muscles present is skeletal muscle. ऑर्गन, अब ये जो आपकी जो टंग है ये फ्रीली मूवेबल है, लेकिन ये फ्लोर से अटैच है, ये किसकी हेल्प से अटैच है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुला, ठीक है। अब इस टंग से आपका क्वेश्चन बनेगा पैपिली, आपका ये जो पैपिली है, जो टंग है, इसके ऊपर क्या होती है, आपकी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। इस तरीके से अगर जो ये मतलब अगर टी जो टंग है इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसके ऊपर इस तरीके से आपकी टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से टेस्ट बर्ड है। और ये जो टेस्ट बर्ड है, ये जो टेस्ट बर्ड है इसमें आपके ये है जो टेस्ट प्रोवाइड है। अभी टेस्ट किस तरीके से, सबसे आगे जो आपका टेस्ट होता है दैट इज स्वीट, ठीक है, और जो बिल्कुल लास्ट में होगा दैट इज खट्टा, बिटर। खैर मैं इसका एग्जांपल वो आपको डायग्राम ही दिखा दूंगी। आपका जो टंग है सबसे आगे अगर जो आप टेस्ट करते हो दैट टेस्ट इज, और जो आपका जो बिटर, जो खट्टा, जो मतलब कड़वा, जो सबसे शुरू में मीठा हो गया और लास्ट में आपका कड़वा हो गया, ठीक है, तो ये मीठा हो गया, ये कड़वा हो गया, ये दो याद हुए। उसके बाद हम साइड साइड वाले पार्ट से याद करेंगे। अब मीठे के साथ क्या होगा, कुछ नमकीन ले लेते हैं, बहुत मीठा मीठा हो गया, ठीक है, तो सॉल्टी सॉल्टी। अब क्या हो गया कि ये थोड़ा सॉल्टी हो गया, अब देखो शुरू में मीठा था, फिर थोड़ा नमकीन ले लिया, फिर क्या हो गया, एकदम खट्टा और फिर कड़वा, ठीक है, शुरू में क्या है, मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा और फिर कड़वा। तो मीठा मतलब स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर,
मेरे साथ रिपीट करो आप, बेशक लाइव नहीं हो रही है, आगे क्लास तो लाइव ही होंगी, तो आप मेरे साथ अगर अभी आप वीडियो देखते देखते बोल सकते हो, स्वीट सॉल्टी सॉर बिटर। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है एग्जाम में एनवीएस में, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो एग्जाम है ना, मतलब अगर आप क्लासेस अभी अच्छे से कर लेते हो, अभी आपकी केवीएस की वैकेंसी आनी है, एनवीएस की वैकेंसी आनी है, उन सबके लिए आपके हेल्पफुल है, और जिन्होंने डी ट्रिपल एस भी कवर रखा है उनके लिए भी है। मतलब पीजीटी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सबके लिए सेम ही सिलेबस रहता है, कहीं पे कुछ डिफरेंट नहीं होता, बस एग्जाम का क्वेश्चन है ना वो अलग तरीके से आपसे दे दिए जाते। ये देखो आपका जो पैपिली है ये अपर सरफेस, टंग के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जिनके ऊपर पैपिली के ऊपर आपके टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट आता है कि स्टार्टिंग में ये मीठा है, फिर आपका नमकीन है, फिर आपका खट्टा है, और फिर आपका कड़वा है, स्वीट सॉल्टी सॉर बिटर, ठीक है, इस तरीके से आपके प्रेजेंट। अब यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ये पैपिली है इनके ऊपर आपके टेस्ट बड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो टेस्ट बड है, हमें टेस्ट आ कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके टेस्ट बड है ना उनके नीचे आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये न्यूरॉन्स ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज मीठी है या कड़वी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो न्यूरॉन्स है, आप देखो मतलब कोरोना में बहुतों के साथ ऐसा हुआ था कि टेस्ट आना बंद हो गया था, लेकिन बाद में क्या हो गया था, टेस्ट आने लग गया था, क्यों, क्योंकि वहां के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टेस्ट भी चेंज होता रहता है, इसीलिए आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो ये है आपके न्यूरॉन्स, दो जगह पे हमारी बॉडी में दो ही जगह है जहां पे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं, एक तो जो टंग वाला पार्ट है, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाले हैं, और दूसरा जो हमारा ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स होते हैं ना स्मेल वाले, ये दो हमारे न्यूरॉन्स है जो रीजनरेट होते। अगर आपका जो टेस्ट है, हमने देखा कि यहाँ पे स्वीट भी नहीं लग रहा भाई, सॉल्टी भी नहीं लग रहा, सॉर भी नहीं लग रहा, बिटर भी नहीं लग रहा, अगर आपका टेस्ट बिल्कुल ही चला जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज अगुशिया। गुशिया भाई बिल्कुल घूम गया, घुस गया, कहीं पर भाग गया, ठीक है, दैट इज अगुशिया। तो पैपिली क्या है, एक तरीके से एपिथीलियम है टंग का, क्यों, क्योंकि एपिथीलियम क्या होता है, किसी भी जो सरफेस है उसकी आउटर कवरिंग को हम एपिथीलियम बोलते हैं, और टंग की अपर कवरिंग क्या है, पैपिली, पैपिली के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट है, लेकिन पैपिली क्या होती है, एपिथीलियम होती है हमारी टंग का। वन से जो ह्यूमन टंग होती है उसमें हमारी 2000 से 8000 अप्रोक्स टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है, और जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है दैट इज 10 डेज, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी टेस्ट बड होती है उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो दैट इज 10 डेज। और देखो ये आ गया कि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रीजनरेट करते हैं सिर्फ दो प्लेसेस पे, कहाँ पे, एक तो आपके न्यूरॉन्स रीजनरेट करते हैं कहाँ पे, ये पैपिली के नीचे, और दूसरे आपके ऑल्फैक्टरी यानी जो स्मेल वाले न्यूरॉन्स। फिर आपकी जो टेस्ट बड्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, एक होती है सर्कमवेलेट, पंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म, ये तीन पढ़ेंगे। सर्कमवेलेट नाम से ही हो रहा है कुछ सर्कल जैसा, तो ये इन्वर्टेड वी शेप की होती हैं, देखो इस तरीके से इन्वर्टेड वी शेप। देखो इन्वर्टेड वी शेप की प्रेजेंट है, इस लाइन को मैं रिमूव करती हूँ, अब आप देखिए कि आपको अच्छे से ठीक है ना, ये जो राउंड 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 दिख रही है ना, दिस इज सर्कमवेलेट। फिर आपकी होती है फंजीफॉर्म और एक होती है आपकी फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म तो जो पूरी आपके जो पूरी टंग पे प्रेजेंट है ना, व्हाइट व्हाइट छोटी 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 छोटी, अगर व्हाइट व्हाइट तो आपको वैसे भी थोड़ी दिख जाती है, दैट इज फिलीफॉर्म। और फंजीफॉर्म आपकी इस तरीके से गोल गोल भी प्रेजेंट है। ये तीन टाइप की मेन आपकी क्या होती है, पैपिली होती है। सर्कमवेलेट क्या होंगी, आपकी लॉन्गेस्ट होंगी, इन्वर्टेड वी शेप की है, मिनिमम 8 से 12 होंगी, मैक्सिमम 100 से 300। पंजीफॉर्म रेड पिंक डॉट्स होती है जो लिटरल साइड साइड में टंग के प्रेजेंट होती है। फिलीफॉर्म व्हाइट कलर की पूरे यूं पूरी टंग पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस, इसमें टेस्ट बड एब्सेंट होती है कहाँ पे, फिलीफॉर्म।
फिलीफॉर्म 25 ही है, ठीक है, टेस्ट बड है ही नहीं और पूरे में फैली हुई है व्हाइट कलर। एब्सेंस ऑफ टेस्ट ऑन वन साइड ऑफ टंग, अब देखो अगर बिल्कुल ही टेस्ट चला गया तो अगुशिया, और आधे में चला गया तो हैम ही लगा देंगे। अब ये क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम अभी जो हुआ था एचपीएससी का, उसके अंदर ही आपसे पूछा गया था, ठीक है, एब्सेंस ऑफ टेस्ट ऑन वन साइड ऑफ टंग हैमिंगुशिया। तो यहां तक हमने पढ़ा था अभी, है ना, बकल कैविटी आपका हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे दैट इज फेरिंग्स, जो आपका कॉमन पैसेज होता है, इस तरीके से हम यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अब मैं बता आपको, मैंने वैसे क्लियर कर दिया है कि जो भी क्लासेस रहेंगी वो लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहेंगी। ये क्लास मैं रिकॉर्डेड डाल रही हूँ, फर्स्ट क्लास है, सॉरी मुझे रिकॉर्डेड डालनी हो रही है, बट मैं कल ही दोबारा से चेक कराती हूँ कि क्यों लाइव नहीं हो पाया। उसके बाद जो क्लासेस हम लेंगे दैट विल बी लाइव ऑनवर्ड्स। तो ओके, थैंक यू।